हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू क्वांट स्टडी आई एम मुजस्म अख्तर जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आपका जे के क्लास फोर का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके लिए इंग्लिश uh, का पोर्शन कवर करवा रहा हूँ दैट इज़ फॉर ट्वेंटी मार्क्स एंड आई हैव ऑलरेडी यू नो कम्प्लीट आर्टिकल्स नियम्स एंडोनीम्स डिटर्माइनस एंड स्पेलिंग्स ये जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं आज हम प्रपोजिशन करने वाले हैं उससे पहले अगर आपने ये पिछले जो टॉपिक्स हैं आपने नहीं देखे तो आप इंग्लिश की प्ले बनी होगी वहाँ पर देख सकते हैं और अभी जो हमारे पास बा, बाकी बचते हैं प्रपोजिशन हमारे पास बचता है जो हम आज से स्टार्ट करेंगे इसको हम तीन टॉपिक्स में लेंगे सॉरी तीन लेक्चर्स में हम इसको लेंगे और इस लेक्चर में आपको प्रपोजिशन के इंट्रोडक्शन और कुछ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस टाइम वो सब मैं आगे समझा दूंगा कि वो सब क्या है एंड उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक्स बचते हैं वो हैं वर्ब्स रीडिंग कंप्रहेंशन और सेंटेंसेस इनको भी हम आने वाले दिनों में कंप्लीट कर देंगे जल्द से जल्द ठीक है तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशंस जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ और आपको उनके आंसर जो हैं कमेंट्स में देने होते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैन यू मेक अ सेंटेंस ऑन टू क्या आप टू पे कोई सेंटेंस बना सकते हैं दूसरा क्वेश्चन ये है कैन यू मेक अ सेंटेंस ऑन अबाउट क्या आप अबाउट पे सेंटेंस बना सकते हैं अगर हाँ तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं उसके बाद बात करते हैं प्रपोजिशन होता क्या है सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर मैं टूल्स लेके आता हूँ ब्रश यूज़ करूँगा ओके okay, तो प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले यूज़ होता है टू शो इट्स कनेक्शन टू द अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। दूसरा जो वर्ड होता है उसके साथ जो लिंक ये बताता है उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन और ये कहाँ पे यूज होता है इट मे बी यूज बिफोर ए नाउन ओके यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं द कैट रेस्ट्स ऑन द कैट रेस्ट्स ऑन सोफा यहां पर हमारा प्रपोजिशन क्या यूज हुआ है ऑन और यहाँ पर जो कैट uh, मतलब ऑन जो है ये किस किस को लिंक कर रहा है सोफा और कैट को ये ये बता रहा है रिलेशन की जो कैट है वो सोफे पर है राइट right? तो रिलेशन मतलब कनेक्शन किसके बीच में बता रहे हैं कैट एंड दोफा के बीच में ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास है एग्जाम्पल इसमें शी इज स्टैंडिंग बाई द बाई साइड में या फिर कार के सामने भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे और यहां पर कौन कौन सा लिंक हो रहा है ये जो शी है ना ये प्रोनाउन है लेकिन इसका कनेक्शन यहाँ पर किसके साथ दिखा रहा है कार के साथ यहां पे दिखा रहा है सिमिलरली आपके पास थर्ड में है ही इज फांड ऑफ टी ही ऑफ टी वो चाय का बहुत शौकीन है टी और वो को जो है कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे ठीक है ओके okay. सो so, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ टाइम मतलब हमने प्रपोजिशन यहाँ पे पढ़ने जो कि बेस्ड है टाइम के ऊपर ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ये यह जो है ये यहाँ पर आपकी यहाँ से जितने भी हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सारे क्या है? यह हैं ये हैं प्रपोज़िशन्स और यहाँ पर आपको इनकी एक्सप्लानीशन मिलेगी और यहाँ पर उनकी एग्जाम्पल्स जो कि हम अभी पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन की ऑन यूज़ होता है डेज़ या डेट्स के लिए ठीक है वेरी सिंपल इट्स वेरी सिंपल अगर हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन का यूज़ देखें तो ये डेज़ या डेट्स के लिए यूज़ होता है जैसे कि संडेज़ के लिए यूज होता है मे मतलब ये आ, एक सेकेंड संडेज़ के लिए यूज होता है ऑन मे फर्स्ट ठीक है फर्स्ट क्या है मे फर्स्ट क्या है ये डेट है ठीक है उसी तरह से क्रिसमस डे पे ये भी ये सब क्या है ये भी डेज हैं क्रिसमस क्या होता है आखिर वो डे ही होता है ना कोई ओके नेक्स्ट बात करते हैं इन इन द सॉरी इन यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कहाँ पे यूज होता है या तो मंथ्स या तो सीज़न्स में या तो ईयर्स में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे देखिए जैसे कि इन समर समर क्या आ गया सीजन इन जुलाई जुलाई क्या आ गया मंथ और इन 2017 2017 सेवेंटीन सेवेंटीन क्या आ गया टू हमारे पास ईयर आ गया और इन ही हमारे पास पार्ट ऑफ़ द डे एक छोटा सा पार्ट अगर लेंगे हम जैसे कि इन द मॉर्निंग देखिए यहाँ पर इन द इवनिंग भी है एक मतलब एक हिस्सा पार्ट थोड़ा सा ठीक है जैसे मॉर्निंग है आफ्टरनून इन में हम क्या यूज़ करते हैं इन यूज़ करते उसके बाद इसी को हम इन को ही हम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ़ टाइम कुछ टाइम के बाद या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ़ टाइम के बाद जैसे कि इन एन आवर इन द फ्यूचर ओके उसके बाद बात करते हैं ऐट ऐट कहाँ कहाँ पर आता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐट आ सकता है ठीक है जैसे कि एट अलेवन पी एम अभी हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं जब हम प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस पढ़ेंगे वहाँ पर हो सकता है इनके अलग से यूज़ हों ठीक है तो जैसे एट हाफ़ पास्ट सिक्स अच्छा अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि पास्ट क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होता है एट हाफ़ पास्ट सिक्स तो हाफ़ पास्ट सिक्स मीन्स सिक्स थर्टी ओके सिक्स थर्टी साढ़े छः जो है हाफ़ पास्ट सिक्स कहते हैं हम उसको अच्छा उसको उसके बाद बात करते हैं हम ये एट जो है ये एक्सेप्शनस में भी यूज़ होता है uh, मतलब कब जैसे कि कब देख सकते हैं यहाँ पे आप एट नून एट नाइट अगर आपको दे मतलब नहीं दिख रहा होगा क्लियरली तो न, पता है क्या मैंने एक्चुअली ये थोड़ा न, छोटा बनाया हुआ कोशिश किया कि आपको कम से कम जो स्लाइड्स में हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आपको ये ज़्यादा लंबा ना लगे तो इसके अलावा मैं आपको पी भी प्रोवाइड करूंगा वहाँ पर आप जूम करके भी देख सकते हैं वहाँ पर आपको सब क्लियरली दिख जाएगा एट नून एट नाइट लर्न इंग्लिश एट फोर्टी टू या एट द वीकेंड एट फर्स्ट ग्लान्स देख देख सकते हैं आप खुद ही एग्जाम्पल्स को यहाँ पे उसके बाद होता है सिंस सिंस क्या होता है सिंस कहाँ पे यूज़ होता है फ्राम अ स्पेसिफिक पॉइंट अंटिल द टाइम नाव किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट में यहाँ पर क्या होता है सिंस और फौर में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो वो कन्फ्यूजन क्या है हम कहते हैं कि सिंस कहाँ पर यूज़ होता है और फ़ौर कहाँ पर यूज़ होता है तो सिंस वहाँ उस जगह पर यूज़ होता है जहाँ की देखिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट बोलते हैं जैसे कि हम मंडे बोलेंगे या यस्टरडे बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे कि फर्स्ट मे सिंस फर्स्ट मे हम ऐसा बोल सकते हैं तो उसी तरह से देखिए इन्होंने भी एग्जांपल दी है सिंस 1980 ये क्या है एक स्पेसिफिक डेट है सिंस यस्टरडे भी क्या है पता है ठीक है स्पेसिफ़िक है लेकिन अब बात करते हैं फॉर कहाँ पे किसी भी पीरियड ऑफ टाइम से देखिए अब यहाँ पर क्या था Since nine, यहाँ पर क्या था सिंस 1980 लेकिन फॉर में क्या है वो ही फॉर थ्री ईयर्स अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर रहे लेकिन कुछ टाइम हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं ठीक है तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर मतलब पहली बार ठीक है ओके okay, ये हो गया इसी के आगे चलते हैं हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम में ही चल रहे हैं हम अब देखिए यहाँ पर एगो है थोड़ा सा फास्ट चल देता हूँ मैं देखिए यहाँ पर एगो है एगो जो है फ्राम अभी से कुछ देर पहले मतलब अभी से किसी स्पेसिफिक पॉइंट में पास्ट में या फिर वो कुछ टाइम पहले भी हो सकता है या फिर वो बहुत टाइम पहले भी हो सकता है ठीक है जैसे कि देखिए ए सेकेंड एगो अ डेकेड एगो अ वायल एगो इस तरह से है उसी तरह से ड्यूरिंग ड्यूरिंग गो थ्रोड द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ समथिंग हम बोलते हैं ना ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जोग्राफी में या हिस्ट्री में हम ये सब पढ़ पढ़ते रहते हैं तो वो क्या होता है दौरान ठीक है उस दौरान जैसे कि ड्यूरिंग समर समर के दौरान ड्यूरिंग वेकेशन ड्यूरिंग द डिस्कन आप समझ रहे हैं उसके बाद बात करते हैं बिफोर बिफोर की आ, बात करें तो प्रीवियस टू इन द टाइम मतलब मतलब उससे भी ठीक है किसी बात से पहले ठीक है किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले ठीक है यहाँ पर बिफोर विंटर मतलब विंटर से पहले उसी तरह से बिफोर डॉन डॉन सॉरी सॉरी आई हैव टू स्टॉक टू द क्लाइंट बिफोर आई कॉल माई मैनेजर मुझे क्लाइंट से बात करना होगा इससे पहले कि मैं मैनेजर को कॉल करूँ आई होप आप समझ रहे हैं क्या बात है यहाँ पे उसी तरह से आफ्टर जो है इसका अपोजिट है बिफोर का तो आफ्टर में क्या आएगा एट अ लेटर टाइम थोड़ी मतलब उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि आफ्टर मिड नाइट मतलब मिड नाइट के बाद आफ्टर टमारो कल के बाद अंटिल उसके बाद है हमारे पास अप टू अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम किसी सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जैसे कि अनटिल मंडे अनटिल हाँ देखिए किसी सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम तक सॉरी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया इसका मीनिंग जो है अनटिल का अप टू अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम किसी पॉइंट तक ठीक है जैसे कि मंडे तक आई विल वेट टू कॉल माई मैनेजर अंटिल आई हियर फ्रॉम द क्लाइंट मैं तब तक वेट करूँगा मैनेजर का मतलब जब तक मैं क्लाइंट का कॉल सुनूँ ठीक है आप समझ रहे हैं उसी तरह से टू से पास्ट कोई टाइम बताना जैसे टेन टू टू ठीक है या वन टू फिफ्टी उसी तरह से टेन पास टू टेन पास्ट टू या गया यहाँ पर देखिए टू आ गया यहाँ पे और यहाँ पे बीच में पास्ट आ गया ये भी एक प्रपोजिशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं बट ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एन एंड पॉइंट देखिए फ्रॉम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से यूज होता है और टू जो है वो एंड पॉइंट से यूज होता है जैसे कि देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग उसी तरह से फ्रॉम नाउ टू एटर्निटी नीचे बाय मतलब नॉट लेटर देन दिस ओके जैसे बाई ट ओ क्लाक ये शॉप ओपन हुई होनी चाहिए थी बाई नेक्स्ट वी बाई नेक्स्ट वीक हम कहीं वैकेशन पर जाएँगे ठीक है तो ये है इनकी एग्ज़ाम्पल्स नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की देखिए हम पार्ट सेकेंड और थर्ड में पार्ट सेकेंड में मैं आपको प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट बता दूँगा और पार्ट जो थर्ड होगा उसमें हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे ठीक है मतलब उसमें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रैक्टिस करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है देखिए यहाँ पर इन है अभी अब हम अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे प्रपोजिशन ऑफ टाइम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब किसी जगह के रिगार्डिंग uh, अगर हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं तो उसको हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं अब इन की जो अगर हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के हिसाब से एक्सप्लानीशन देखें तो वो ये है पोजीशन और स्टेट इनसाइड समथिंग किसी चीज के अंदर ठीक है जैसे कि इन लंदन लंदन के अंदर इन द बुक बुक में बुक के अंदर ओके इन द मिरर मिरर के इनसाइड इन लव प्यार में ठीक है तो उसके बाद एट एट बी इन द एरिया ऑफ और अ स्पेसिफिक पोजिशन किसी भी स्पेसिफिक एरिया में या किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन में अगर उसकी एग्जाम्पल्स की बात करें हम जैसे एट होम यह आ गया एरिया एट द टेबल एट माय साइड ठीक है ये सारे क्या आ गए एरिया में अब एन इवेंट कोई भी इवेंट होता है या फिर इवेंट uh, के रिलेटेड जो कोई भी प्लेस है जैसे कि एट द पार्टी एट द सिनेमा एट द स्कूल ओके नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास ऑन की ऑन हमारे पास अबो भी मतलब एक सेकेंड ऑन हमारे पास ऊपर किसी चीज़ के ऊपर भी जैसे कि डेस्क के ऊपर या फिर किसी के कांटेक्ट में ऑन दि वॉल वॉल के कांटेक्ट में ऑन द वॉल या फिर किसी भी सर्टन साइड में वो लेफ्ट भी हो सकती है या राइट right भी हो सकती है तो ऑन द लेफ्ट साइड इसकी एग्जांपल ठीक है या फिर कोई भी स्टेट स्टेट क्या होता है कोई भी कंडीशन या किसी भी चीज़ का जो प्रोसेस होता है ना वहाँ पर भी हम ऑन यूज़ करते हैं जैसे कि यहाँ पे ऑन लीव ये क्या आ गई कंडीशन ऑन फायर ये क्या आ गया स्टेट ऑन द वे मतलब रास्ते में ठीक है इसी तरह से ऑन द फोन ऑन टी वी ऑन द रेडियो अब मीन्स ऑफ कन्वीनियंस मतलब जिससे आप चलते हैं ठीक है जैसे ऑन द ट्रेंस ऑन द बस ऑन अ प्लेन ठीक है इसी तरह से बाद में बात उसके बाद बात करते हैं ऑफ की ऑफ क्या करता है ये किसी प्लेस या पोजीशन से स्टार्ट होता है ठीक है किसी भी प्लेस या पोजीशन से ऑफ़ द टेबल मतलब टेबल से ऑफ़ द वॉल या वेंट ऑफ टू कैनेडा मतलब कैनेडा गया ठीक है वेंट ऑफ टू कैनेडा अगर वेंट ऑफ फ्रॉम कैनेडा होता तो इसका कुछ मीनिंग और हो जाता गॉड ऑफ द बस टर्न ऑफ द टी वी ओके उसी तरह से हम बात करते हैं बाय या बिसाइड बिसाइड या बाय एट द साइड ऑफ या किसी भी क्लोज या किसी के नेक्स्ट में ठीक है अब यहाँ पर हम कैसे मैं आपको बताऊँ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बाय द डोर बिसाइड द कार स्टैंड बाय मी यहाँ पर मैं ब्रश यूज़ इसलिए नहीं कर सक कर पा रहा हूँ क्योंकि ये ब्रश इसी के ऊपर आ रहा है ठीक है तो इसलिए सो सॉरी फॉर दिस बट आपको पता है ये लास्ट वाला मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन कर रहा था ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हमारा अंडर अंडर मतलब इन अ लोअर पोजिशन या बनीथ द सर्फेस इन अ लोअर पोजिशन मतलब किसी चीज़ के नीचे या फिर किसी सरफेस के नीचे ठीक है जैसे देखिए अंडर द टेबल अंडर वाटर इसके बहुत आप खुद भी बता सकते हैं और उसके बाद ओवर किसी भी पोजीशन पर ठीक है पुट समथिंग ओवर द शर्ट शर्ट के ऊपर कुछ डालें ठीक है वॉक ओवर समथिंग या ओवर माई डेड बॉडी मेरी डेड बॉडी के ऊपर ठीक है मोर देन मतलब मोर देन मीन्स ओवर हंड्रेड ईयर्स अगो विच मीन्स मोर देन हंड्रेड ईयर्स ओवर टेन मील्स विच मीन्स ओवर टेन मील्स उसी के बाद उसी की तरह बिलो है या विच मीन्स मतलब नीचे ही ठीक है इसका भी मीनिंग क्या होता है नीचे बिलो द सर्फेस सर्फेस से नीचे बिलो ट्वेंटी डिग्री सेल्शियस ट्वेंटी डिग्री सेल्शियस से नीचे बिलो द क्लाउड्स क्लाउड्स से नीचे अबाव क्या होता है अबाव द हायर देन समथिंग एल्स ठीक है ओवर हेड भी बोल सकते हैं इसको हम अबाव द डोर द क्लाउड्स अबाव द प्रॉब्लम्स साइटेड अबाव या गई इसकी एग्जाम्पल्स उसी तरह से आप फ्राम अ लोअर फ्राम अ लोअर टूवर्ड्स हायर पॉइंट नीचे से ऊपर के लिए ठीक है जैसे कि अप द हिल अपर इज अ कुछ भी मतलब आप कह सकते हैं डाउन अ डिसेंडिंग डायरेक्शन डाउन क्या होता है नीचे वाली डायरेक्शन में जैसे रोल डाउन दिल्स हिल से रोल डाउन करते करते आया ठीक है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट के नीचे, नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है Thank you so much for watching this video. I will see you in the next video. All the best for your preparation.